बहुजन समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी कायम रजा ने लखनऊ पश्चिम से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। क्षेत्र में जाकर लोगों की समस्याओं को सुना और जीतने पर अपने क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का जनता से वादा भी किया। बसपा प्रत्याशी कायम रजा ने कहा कि सबसे पहला काम जनता को जल निकासी की समस्या से निजात दिलाना है। जो काम धरातल पर नहीं हुए उसको प्राथमिकता देंगे। 20 वर्ष प्रधान रहे और जो भी काम किए उसी तरह विधायक बनने के बाद क्षेत्र की जनता के लिए काम करेंगे। हर पार्टी अपनी सरकार बनने का दावा कर रही है लेकिन 10 मार्च को बीएसपी की सरकार बन रही है। मैम जी, पश्चिम के क्या बड़े मुद्दे हैं जो लगता है कि इस बार हावी होने वाले हैं?